नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। जब एक पत्नी ने ही अपने पति को शराब पीने से मना किया तो गुस्से में बौखलाए पति ने कर दिया कुछ ऐसा कि आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान। महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने ही अपने मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बच्चे के पिता को शराब पीने की लत थी। वो घर आया तो पत्नी ने उसे शराब पीने से मना किया। फिर क्या था, बस इतनी सी ही बात पर आरोपी भड़क गया और गुस्से में 2 साल के मासूम बेटे को जमीन पर पटक दिया। बच्चे के सिर से खून निकलने लगा। जब इस बात का पता चला तो फौरन परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना टप्पल थाना क्षेत्र के आदमपुर की है। घटना के बाद से खूनी पिता वहां से गायब है। वहीं बच्चे की मां ने आरोपी पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। बता दे कि आरोपी का नाम प्रेमचंद है। उसकी शादी 4 साल पहले खुशबू से हुई थी। उसे शराब पीने की लत थी। पत्नी इसी बात से परेशान रहती थी। नशे में वो अक्सर पत्नी के साथ झगड़ा करता था। जब शुक्रवार को पत्नी ने उसे सलाह दी कि वो शराब का सेवन ना करे, बस इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गया और 2 साल के बेटे लवकुश को जमीन पर पटक दिया। बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं बच्चे की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी ने खूनी पति के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में DSP राजीव द्विवेदी ने बताया कि हो सकता है कि पति पत्नी के बीच हुए मतभेद में बच्चा गोद से छूटकर नीचे गिर गया हो। हालांकि पुलिस की टीम महिला की ओर से लगाए गए आरोप की जांच कर रही है। तो देखा आपने किस तरह एक हैवान पति ने अपने 2 साल के मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया, जो कि वाकई में शर्मसार करने वाली घटना है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।